ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं, सवाल ये है। आइए हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। अच्छा, हमें कुछ बातों का उत्तर आपसे चाहिए, हमें पहले उत्तर दीजिए फिर हम आपको उत्तर देंगे। अच्छा बताइए, आपके हाथ में बैक्टीरिया है वर्तमान में या नहीं? हाँ या ना? इन हाथों में बैक्टीरिया है या नहीं? हाँ या ना जवाब दो। है, ऐसा साइंस कहता है ना, हाथ थोड़ी देर में बैक्टीरिया अपने आप आ जाते हैं, इसलिए हाथ धुलने का बार बार बोलते हैं, हाथ धुलते रहिए, है ना, बैक्टीरिया होते हैं हमारे हाथों में। अच्छा, हमारे हाथों में बैक्टीरिया है, क्या हमें दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं। यदि इन्हें देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप नाम की एक मशीन आती है जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी कहते हैं, वह मशीन का सहारा यदि लेते हैं, डॉक्टर लोग साइंटिस्ट लोग उसका आश्रय लेते हैं, आपके हाथ में भी अभी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं मेरी माँ, लेकिन 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 हमारी आँखों में बैक्टीरिया नज़र नहीं आ रहे हैं। यदि बैक्टीरिया को देखना है तो एक माइक्रोस्कोप नाम की मशीन का आश्रय लेना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके आप इस बैक्टीरिया को देख पाएंगे। यदि बैक्टीरिया को देखने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ता है, यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, तो निश्चित है कि भगवान को देखने के लिए भी भक्ति का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। बिना मंत्र के सहारे के, बिना भक्ति के ईश्वर कैसे दिखेंगे? यदि बैक्टीरिया नहीं दिखता इन आँखों से तो भगवान कैसे दिखेंगे? पहला। दूसरा सुनिएगा, भगवान है पर नजर नहीं आता। नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको मराठी भाषा आती है? नहीं आती। आपको चाइनीज भाषा आती है? नहीं आती। नहीं आती, नहीं आती। मराठी भाषा में कुछ लिखा हो तो आप पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वह भाषा आपको नहीं आती, जबकि उसमें लिखा है। अब जैसे किसी को पंजाबी भाषा नहीं आती और पंजाबी भाषा में कुछ लिखा है, तो लिखा तो सब कुछ है पंजाबी भाषा में, लेकिन चूंकि सामने वाले को पढ़ना नहीं आता तो वह तो कुछ भी नहीं देख पाएगा। अरे, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमें तो दिखता ही नहीं है। अनपढ़ आदमी के लिए कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर किसके लिए है? ये अनपढ़ आदमी के लिए। यदि मुझे चाइना की भाषा, चाइनीज भाषा नहीं आती, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उस भाषा में कुछ लिखा नहीं है। अरे, उस भाषा में बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं आता। हमें पढ़ना इसीलिए नहीं आता क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती। उसी प्रकार जैसे लिखा तो सब कुछ है पर हमें पढ़ना नहीं आता, उसी प्रकार परमात्मा तो कण कण में लिखा है, लेकिन जब तक भक्ति की भाषा ना पढ़नी आए, जब तक भक्ति की भाषा ना आए, उस ईश्वर को आप पढ़ ही नहीं सकते। ईश्वर भी कण कण में रहता है। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि कण कण में रहता है तो दिखता क्यों नहीं? अरे भाई, हमें ही पंजाबी भाषा नहीं आती। अब आप चाहे अब पंजाबी भाषा में कोई हमें गाली लिख के ले आए, चाहे हमारी कोई स्तुति लिख के ले आए, हमारे लिए सब बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमें उसका नॉलेज नहीं है। आप गाली लिख दीजिए पंजाबी भाषा में या तो स्तुति लिख दीजिए पंजाबी भाषा में, एक ही, हमारे लिए एक ही रहेगी, क्योंकि हमें उसका नॉलेज नहीं है। आपके सामने मराठी में कोई गाली लिख दे या स्तुति कर ले आपकी, आपके लिए सब बराबर रहेगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। पर नॉलेज होगा तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा है। उसी प्रकार जिस दिन भक्ति की पढ़ाई आप पढ़ लेंगे, सच कहता हूँ, तुम्हें कण कण में परमात्मा लिखा हुआ नजर आ जाएगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ईश्वर सब में है, सब में ईश्वर है। अच्छा ये बताओ, दही में मक्खन है या नहीं? है। अब दही में मक्खन तो है, और अब कोई दही से कहे, दही भाई जरा मक्खन दे दो, दे देगा निकाल के? लो ना, दही में मक्खन तो है, पर प्रार्थना करे, दही भैया हाथ जोड़े खड़े हैं, जरा मक्खन थोड़ा सा दे दो, दही नहीं देगा। अब दही मक्खन ना दे तो आप कहें, अरे कैसा दही, इसमें तो मक्खन ही नहीं है। अरे पागल, मक्खन तो है पर तेरे से निकालना आए
तो मथानी डाल, मंथन कर और निकाल ले। दही में मक्खन तो है मेरी माँ, पर मक्खन तक वही पहुँच सकता है जिसे निकालना आता है, जिसे वो प्रक्रिया पता है कि कैसे ठंडा पानी डालना है कि गर्म पानी डालना है, गर्मी है तो क्या करना है, सर्दी है तो क्या करना है। सर्दियों में हल्का सा गर्म पानी डालते हैं, गर्मियों में ठंडा पानी डालते हैं, मक्खन आता है। तो आपके दही में मक्खन तो है, लेकिन मक्खन तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है, एक पद्धति है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा। बिना मंथन किए दही से मक्खन नहीं मिल सकता, उसी प्रकार बिना भक्ति किए हुए भगवान नहीं मिल सकते। भक्ति करेंगे तो भगवान भी प्रकट होंगे। जैसे प्रहलाद ने भक्ति की और प्रहलाद ने विश्वास किया, तो प्रहलाद के विश्वास और प्रहलाद की भक्ति के बल पर खंभे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं, हो गए भगवान। यदि प्रहलाद के लिए भगवान सामने आ गए तो क्या हमारे लिए सामने नहीं आएंगे? आएंगे ना। कब आएंगे? जब हम उनकी भक्ति करेंगे तब, हम उन जैसा बनेंगे तब। यदि प्रहलाद जैसे हम बन गए, मीरा जैसे हम बन गए, गुरु नानक देव जैसे हम बन गए, तो भगवान हमारे सामने आकर खड़े होंगे। क्यों नहीं खड़े होंगे? होंगे। हम में कमी है, ईश्वर के आने में देर नहीं है। और मैं आपसे कह चुका हूँ, आज फिर कह देता हूँ कि भगवान की भक्ति तो करना, लेकिन पहले एक बार अपने विश्वास को स्ट्रांग करके करना। बताइए भगवान कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ रहते हैं मैया जी? भगवान बताओ। मैया जी, ओ मैया, मैया हो गई पंचायत। अब ध्यान से सुनना, बताओ कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं बताओ? भगवान आपके शरीर में कहाँ हैं? यहाँ हृदय में हैं? एक्सरे करवा लें फिर आपका, यदि होंगे तो एक्सरे में आ जाएंगे। आप कह रहे हैं भगवान यहाँ रहते हैं, यदि यहाँ हैं तो एक्सरे में आने चाहिए। आएंगे? आएंगे कि नहीं? हाँ या ना? आप कह रहे हैं नहीं आएंगे। देखो, लोग कहते हैं भगवान यहाँ रहते हैं, यहाँ हृदय में। ना ना तो भगवान हृदय में रहते हैं, ना तो भगवान मंदिर में रहते हैं, ना तो भगवान तीर्थों में हैं। फिर प्रश्न खड़ा हुआ, भगवान कहाँ है? बोले भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो यहाँ है, विश्वास है तो मंदिर में भगवान है। अरे मंदिर में भगवान किनके लिए हैं? जिनको विश्वास है उनके लिए भगवान, और जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए सिर्फ पत्थर की मूर्ति है। मंदिर में भगवान किनके लिए? जिनके भीतर। इसलिए इसलिए हमारे भीतर क्या होना चाहिए? केवल विश्वास। और यदि विश्वास है तो ईश्वर है, और विश्वास नहीं तो भगवान भी नहीं। भगवान है उनके लिए जिनको विश्वास। मीरा को विश्वास था तो मीरा के लिए भगवान। आज जेसीबी तो रोज दो चार खंबे तोड़ देती है, एक भी खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट नहीं हुए, लेकिन उस जमाने में प्रहलाद के कहने से हिरण्यकशिपु ने खंबा तोड़ा तो कौन प्रकट हुए? नरसिंह भगवान प्रकट हुए। क्या नरसिंह भगवान खंबे पर थे? अरे भाई, नरसिंह भगवान खंबे पर नहीं थे, नरसिंह भगवान तो प्रहलाद के विश्वास में थे। उसने विश्वास से कहा कि ईश्वर यहाँ है, तो भगवान को आना पड़ा कि कहीं मेरे भक्त का विश्वास कमजोर ना पड़ जाए। भगवान सदा अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करते हैं। भगवान सदा अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करते हैं। द्रौपदी को विश्वास था कि मेरी साड़ी खिंच रही है, भले मेरे पति ना बचाएं, भले मेरे पितामह ना बचाएं, भले मेरे गुरु द्रोणाचार्य ना बचाएं, पर मेरे श्याम सुंदर बचाएंगे। और जब द्रौपदी का विश्वास था तो क्या द्रौपदी के विश्वास को भगवान ने टूटने दिया? यदि उनके विश्वास को नहीं टूटने दिया तो मुझे विश्वास है कि आपके विश्वास को भी भगवान टूटने नहीं देंगे। इसलिए कहता हूँ कि विश्वास पक्का रखना। और मैं आपसे आज कथा शुरू हो रही है उसके पूर्व मैं आपसे आज एक बात और कहना चाहूँगा।
कि आप भगवान पर विश्वास करें और ऐसा विश्वास करें कि लाख कोई कोशिश करे उस विश्वास को तोड़ने की पर टूटे। एक तो विश्वास देखो जल्दी करना मत। यदि तुम भगवान पर भी विश्वास कर रहे हो ना तो भगवान को भी एक बार देख लेना, आजमा लेना, और आजमा के भले विश्वास करना, लेकिन जब विश्वास कर लेना तो लाख कोई कहे उसके बाद तोड़ना मत अपने विश्वास को, वह ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। और तुमने आज विश्वास कर लिया कल तोड़ दिया, अरे भगवान है कि नहीं कहा था सुन लिया है कि नहीं, ना हम कहते हैं भगवान है कि नहीं, हमारी बात पे यकीन ना करो ना, आप खुद इस बात को महसूस करो ईश्वर है कि नहीं। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा दृष्टांत देके मैं आपको एक बहुत गहरी बात समझाऊंगा, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। क्या हुआ, एक शहर में एक मेडिकल की दुकान थी, माना कि वह शहर आपका ही शहर रहा होगा। एक शहर में एक मेडिकल की दुकान थी, वह पिता, उनका एक छोटा सा बेटा था, वह बड़ी मेहनत करके शहर के बीचों बीच उसने मेडिकल की दुकान स्थापित की, बहुत सारी ग्राहकी बनाई, खूब चलती थी। बेटा धीरे धीरे समय पर बड़ा हुआ, अब पिताजी जरा बूढ़े होने लगे। पिता ने कहा बेटा जरा दुकान तुम संभाल लो, पर याद रखना ईमानदारी से चलाना, बेईमानी ना करना, और सुनो ये दुकान में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगी है तो रोज दिया जला दिया कर, देख मैं रोज पूजा करता हूँ, भगवान कृष्ण की कृपा से हमारी ये दुकान चल रही है, इन्हीं के आशीर्वाद से हम खा रहे हैं, इन्हीं की कृपा से हमारा परिवार चल रहा है। पर जो बच्चा था सेठ जी का, वह जरा साइंस का स्टूडेंट था, वह भगवान पर बिलीव कम करता था, विश्वास जरा कम था। पिता ने कहा, उसने सुन लिया, उसको लगा पिताजी तो पुराने ख्यालों के हैं, पुराने जमाने के हैं, इनकी आस्था भगवान पर है, पर इनकी आस्था ठीक है मैं नहीं रखता। कुछ दिनों के बाद एक दिन पिताजी को लगा कि मेरा बेटा भगवान के सामने ना दिया जलाता है, ना तो हाथ जोड़ता है, ना माथा झुकाता है। वो पिता बड़े दुखी रहने लगे, हे भगवान लगता है मेरा बेटा बड़ा नास्तिक है। अब पिता की उम्र कुछ ज्यादा ही हो गई थी, मरने की स्थिति थी। तब एक दिन पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा एक बात कहनी है। हाँ हाँ पिताजी कहो। अच्छा वह बेटा अच्छा था, पिता की सेवा करता था, पैसा कमाता था, सब बढ़िया था, पर भगवान में उसकी श्रद्धा जरा कम थी। तो पिता ने मरने से पहले एक दिन उसे बुलाया और कहा, बेटा मेरी एक बात सुन, तू भगवान को नहीं मानता, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, ये जबरदस्ती का विषय नहीं है, तेरी भगवान पर श्रद्धा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कहता हूं बेटा, जीवन में जब कभी संकट में तू फंस जाए ना तो एक बार मेरे श्याम सुंदर को आजमा के देख लेना, एक बार तू एक अवसर देना श्याम सुंदर को, यदि तेरे विश्वास में वो खरे उतर जाए तो उसके बाद उनका पांव पकड़ लेना, और यदि तेरे विश्वास में खरे ना उतरे वो तो उनके पांव मत पकड़ना, तू वैसे भी भगवान को नहीं मानता, तुझे अनुभव नहीं है ना। मेरा अनुभव है बेटा, मैं किसी के कहने से कृष्ण से मोहब्बत नहीं करता, मेरा अनुभव है। एक बार मैं हाथ जोड़ के तुझसे कहता हूँ, जब भगवान करे तेरे ऊपर कोई संकट ना आए, पर कभी मुसीबत आवे तो एक बार इसके दरबार की तरफ मुंह करके पुकार लेना, ये तेरी सुन लेगा, उसके बाद तू ऐसे चरण पकड़ना कि छोड़ना मत। ये कहने के 10 दिन बाद ही वो बूढ़ा पिता भगवान के घर चला गया, मर गया। अब बेटे ने सुन लिया कि पिता ने कुछ कहा है, चलो सुन लिया। बेटा बड़ा नास्तिक था, भगवान पे फिर भी कोई श्रद्धा नहीं थी उसकी, ना पूजा करता ना, चूंकि दुकान पर भगवान कृष्ण की तस्वीर लगी थी, पिता ने लगाई तो उसने हटाई नहीं। पर जिस दिन से पिता मरे, ना तो दिया जलाया ना तो कपड़ा मारा, वहां धीरे धीरे धूल जमने लग गई, वह स्थान छोड़ दिया उस बच्चे ने, बिल्कुल धूल जमी थी, पर दुकान चलाता, ईमानदारी से काम करता। एक दिन वह अपने, ऐसी रात का समय था, 8:30 का समय था, सारी दुकानें मार्केट लगभग बंद हो रही थी, तभी इसके कुछ दोस्त लोग आ गए और यह दुकान के अंदर ही बैठकर शटर आधी गिरा के ताश खेलने लगा दोस्तों के साथ। उसी समय घटना घट गई, यह ताश खेल रहा था अंदर, शटर आधी गिरी थी, मार्केट बंद हो चुका था,
तभी एक नन्हा सा बच्चा आया, उसकी माँ बीमार पड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा था ये दवाई मिल जाएगी और ये पी लेगी तो ये बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगी। वह माँ मरने वाली थी और उस माँ का एक छोटा सा बच्चा लगभग 7 साल का रहा होगा, 6-7 वर्ष का नन्हा सा बच्चा। डॉक्टर ने लिख कर दे दिया ये दवाई लेकर आओ, मेरे पास नहीं है, दवाई पिला देना माँ को। अब उस घर में उस बच्चे के सिवा कोई नहीं था, माँ मर रही थी और उस बच्चे को माँ ने कहा जा बेटा तू दवाई लेकर आ। वो नन्हा सा बच्चा दौड़ लगाता है हाथ में पर्ची लेकर, चारों तरफ नजर घुमाई, मार्केट पूरा बंद था, कहीं दुकान नहीं खुली थी। थोड़ा और आगे बढ़ा, मैन चौराहे पर पहुंचा, वहां देखता है कि एक दुकान जो आधी शटर गिरी है, अंदर से कुछ लाइट चल रही है। वो नन्हा सा बालक दौड़ कर गया, भैया भैया क्या ये दवाई मिलेगी? वो पर्ची लिया, हाँ हाँ मिलेगी। अच्छा वह जुआ खेल रहा था, ताश खेल रहा था, हाँ हाँ मिल जाएगी भैया, दे दो, मेरी माँ बड़ी संकट में है, नहीं पिएगी दवाई मर जाएगी। वह मेडिकल का जानकार था, उसने कहा हाँ ये दवाई नहीं पिएगी तो सचमुच ये दवाई देनी ही पड़ती इस मरीज को। उसने दवाई निकाली, पर अकस्मात संयोग कुछ भी कह लीजिए आप, वह जुआ खेलने में इतना मस्त था कि उसने बैठे बैठे पर्ची ली, पर्ची देखी, और ताश में इतना मस्त था कि उसने हाथ बढ़ाया, उसको लगा दवाई यहीं रखी है, उसने हाथ बढ़ाया और दवाई पकड़ा दी। पर जो दवाई पकड़ाई उसने, वह दवाई लेकर बालक चला गया, और जैसे ही बालक गया इसका ध्यान हटा, इसने देखा कि अरे यहां तो मैंने थोड़ी देर पहले एक ग्राहक चूहा मारने की दवाई वापस किया था, सो मैंने उसे यहां रखा था और मैंने तो इसे चूहा मारने की दवाई दे दी। अब उसने शटर उठाई, बाहर निकला, कहां वो बच्चा? पर बच्चा तो कहीं नहीं, चला गया। अब ये रोने लगा, हे भगवान। अपने मित्रों से कहा जाओ आज तुम्हारे जुआ के चक्कर में, ताश के चक्कर में कोई माँ मर जाएगी, उस बच्चे की माँ, वो बच्चा अनाथ हो जाएगा। वो बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, हे भगवान गलती हो गई, चूहा मारने की दवाई, एक तो उसकी माँ बीमार है और मैंने चूहा मारने की दवाई और दे दी, अब तो मर ही जाएगी। वो रोने लगा, परेशान हो गया, माथा पीटने लगा। तभी उसे अपने पिता की बात याद आ गई, बेटा एक बार ईश्वर को मौका देना, यदि वह तेरे विश्वास पर खरा उतर जाए तो पांव फिर ना छोड़ना। आज उसने पहली बार श्रद्धा की निगाहों से जो दुकान पर कृष्ण का चित्र था उस चित्र की तरफ श्रद्धा से दृष्टि की और हाथ जोड़कर पहली बार उस बालक ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, हे भगवान मैं तुम्हें नहीं मानता, मैं तुम पर विश्वास नहीं रखता, लेकिन मेरे पिता ने कहा था कि विश्वास एक बार करके देखना, आज मैं पहली बार आप पे विश्वास करता हूँ। हे विधाता मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, ना पैसे की चाहत है, ना इज्जत प्रतिष्ठा की चाहत है, तुम भगवान हो और यदि तुम पुकार सुनते हो तो उस बच्चे की माँ को बचा लेना। मेरे से अपराध हो गया कि मैंने गलती से चूहे की दवाई दे दी, मेरी गलती सुधारने का मुझे एक अवसर दे दे विधाता, मेरी गलती सुधारने का मुझे एक मौका, वो पता चल जाए कि बच्चा कौन था, कहाँ से आया था, आपकी कृपा हो जाएगी। वह यह कह के रोने लगा, लगता है अब तो उसकी माँ को वो दवाई पिला दिया होगा, उसकी माँ तो मर गई होगी। वो रो ही रहा था तभी वह नन्हा सा बच्चा फिर वापस आ गया और फिर बोला, भैया भैया क्या वो दवाई है? अरे ये तो अचंभित हो गया, अरे बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, वो दवाई जो तुम ले गए थे क्या माँ को तुमने पिला दिया? हाँ हाँ भैया मैं दवाई लेकर गया आपके यहाँ से, और जैसे ही मैं अपने आंगन में पहुँचा, बारिश का मौसम था, मेरा पाँव फिसल गया और दवाई जाके पत्थर पर लगी, सीसी टूट गई, सारी दवाई बिखर गई, मुझे लगा दुकान बंद हो गई होगी, मैं दौड़ा दौड़ा आया, पर भैया आपने दुकान खोल रखी है, दवाई नहीं मिली तो माँ मर जाएगी। उस आदमी को आज जान में जान आई, हे विधाता सच कहा था मेरे पिता ने कि एक बार तुझसे प्रार्थना कोई सच्चे भाव से कर ले
तो उसकी विनती, उसकी प्रार्थना जरूर सुनता है, जरूर सुनता है। उसने शटर बंद की, दवाई उठाई और तुरंत उसकी माँ के पास गया और माँ के पास जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा के उसकी माँ का इलाज कराया। उसकी माँ बच गई, उस बच्चे को उसकी माँ दी। और ये दुकान आया दूसरे दिन, बड़ी श्रद्धा से वह तस्वीर उसने साफ किया, दिया जलाया, हाथ जोड़कर कहा, विधाता हम पैसे से बहुत बड़े अहंकारी तो हो सकते हैं लेकिन पैसे से सच्चे भक्त नहीं हो सकते। सच्चा भक्त तो वही हो सकता है जिसके अंदर आपके प्रति विश्वास हो, श्रद्धा हो। इसलिए मैं आपसे भी, जितने लोग सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के कहता हूं, एक बार भगवान श्री कृष्ण को मौका जरूर दीजिएगा, आज मान लीजिएगा। हम कहते हैं कि विश्वास करो, मत करो विश्वास, तुम पहले प्रैक्टिकल कर लो, आज मान लो। यदि तुम्हारे आजमाने पर वो खरे उतर जाएं तो फिर विश्वास ऐसा करना कि कोई हथौड़े से भी विश्वास तोड़ने की कोशिश करे तो टूटना नहीं चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, भगवान भक्त का विश्वास कभी नहीं टूटने देते। ये मैं मानता हूँ, जानता हूँ, महसूस करता हूँ। हम तो दिन भर महसूस करते हैं। माना कि जीवन में कभी कभी नुकसान हो जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारी को नुकसान हो गया तो भगवान की आप पर कोई कृपा नहीं है। ये क्यों नहीं सोचते कि आपका बहुत कुछ नुकसान होने वाला था, बहुत कुछ बिगड़ने वाला था, परमात्मा की कृपा ने थोड़े में ही निपटा दिया। हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते, सकारात्मक क्यों नहीं रहते? हम हमेशा पॉजिटिव सोचें कि हम ईश्वर के करीब हैं और ईश्वर ही हमारे रक्षक हैं, वही हमारा भरण पोषण करने वाले हैं। बस विश्वास रखिएगा, वह आएंगे जरूर। ये विश्वास ना टूटने दीजिएगा। यदि विश्वास है तो ईश्वर है, और विश्वास नहीं तो सिर्फ मंदिर में केवल मूर्तियां, सिर्फ पत्थर पत्थर, तब भगवान होता है जब आपका विश्वास मिल जाता है। जलेबी मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं होती है। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जलेबी को कढ़ाई से कोई निकाल कर डायरेक्ट खाए मीठी नहीं होगी। जलेबी को मीठी बनाने वाली चाशनी होती है, चाशनी में डूबती है तब जाकर जलेबी मीठी बनती है। उसी प्रकार पत्थर तो पत्थर होता है, जब वह पत्थर आपकी श्रद्धा की चाशनी में डूब जाता है तो वही पत्थर भगवान हो जाता है। आपकी श्रद्धा ही चाशनी है। यदि आपकी श्रद्धा है तो पत्थर भी भगवान है, यदि आपकी श्रद्धा है तो आपकी माँ भी भगवान है, आपकी श्रद्धा है तो आपका गुरु भी भगवान है, आपकी श्रद्धा है तो आपका पिता भी भगवान है, श्रद्धा है तो सब ईश्वर है, और नहीं है श्रद्धा तो फिर तो लोग अपनी माँ को भी घर से निकाल देते हैं। फिर जलेबी मीठी नहीं है, चाशनी मीठी है। पत्थर तो तब भी पत्थर था, अब भी पत्थर है, बस आपकी श्रद्धा ने उसे भगवान बना दिया। इसलिए श्रद्धा की चाशनी जरूरी है।